हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से दो तीन अपडेट आ रहा है। एक अपडेट तो आप लोगों का है कि आने वाले टाइम में यानी कि नए सत्र में जो है कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है और बजट के अकॉर्डिंग जो है इसको बढ़ाया गया है, ये सब चर्चा करेंगे। एंड दूसरा जो टॉपिक है आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्टेटस बहुत सारे स्टूडेंट का चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो करके भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सभी चीजों को भी हम आपको क्लियर करेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोगों का स्टेटस जो है कब तक वेरीफाई हो जाएगा, इन सभी बातों पर भी बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आप बता दूं आपको कि जो इस बार बजट पास हुआ है उसमें आप लोगों का चाहे स्कॉलरशिप हो जाए या टैबलेट योजना हो जाए, हर जगह पे जो है बजट बढ़ा दिया गया है। तो देखो, यहां पर आप देख लो कि आप लोगों का जो है इस बार जो इस सत्र में यानी कि आने वाले सत्र में आने वाले टाइम में जो है जो आप लोगों का इस छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो 56 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। कितने? 56 लाख। और इस बार यानी जो अभी आप लोगों को मिल रहा है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 लाख छात्रों का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों को जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। तो 6 लाख ज्यादा, यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो, सामान्य ओबीसी के 6 लाख ज्यादा छात्र पा सकेंगे छात्रवृत्ति। ये आने वाले जो है सेशन की बात हो रही है, जो नया सेशन आएगा उसमें इसमें देख लो क्या क्या कहां पे बढ़ाया गया है। अब ये लागू जब होगा नेक्स्ट सेशन में तो पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में कुल 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पिछले साल यह बजट जो है 425 करोड़ थी, तो इस बार जो आप लोगों को मिल रहा है वो 425 करोड़ के अकॉर्डिंग है, लेकिन आने वाले सत्र में जो है ये 530 करोड़ कर दिया गया है। सेम इसी तरह से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए 105 करोड़ रुपए की अधिक व्यवस्था होने से लाभ पाने वाले, 105 करोड़ ज्यादा जो है जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। सेम इस तरह से को पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 450 करोड़ की वृद्धि करने के लाभ पाने वाले छात्र की संख्या 5 लाख तक बढ़ेगी। तो ये नेक्स्ट सेशन के लिए जो है अच्छी इंफॉर्मेशन है कि बजट बढ़ाया गया है और 56 लाख जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा नेक्स्ट सेशन में। चलो भाई, अब इस सेशन की बात कर लेते हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की सबसे पहले तो स्टेटस के बारे में बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो स्टेटस को लेकर के कि मैम स्टेटस अपडेट तो हो रहा है लेकिन ये फाइनल जो है वेरीफाई नहीं हो रहा है, वहां पे क्या आ जा रहा है? स्टेटस अपडेट होकर के आपका आ क्या रहा है? वो आपका आ रहा है पेंडिंग, यही आ रहा है ना, पेंडिंग एट DWO या डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जो भी ये यही आ रहा है आप लोग का, है ना, ये आ जा रहा है। ये क्यों आ रहा है? देखो, प्रोसेस थोड़ा सा लेट चल रहा है स्कॉलरशिप का। ये NIC जो है आप लोग का डेटा सेंड करने वाली है समाज कल्याण विभाग को, तो NIC ने अभी आप लोगों का जिनका भी मिसमैच बता रहा था, जो कि आप लोग बोल भी रहे थे कि रोल नंबर मिसमैच बता रहा है, तो कुछ हाई स्कूल का अलग बता रहा है, कुछ भी डुप्लीकेट टाइप के जो है ये सब डॉक्यूमेंट बता रहे थे, उन लोगों का स्टेटस अपडेट होकर के ये आ गया है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है ये वाला आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NIC की तरफ से आपका डेटा वेरीफाई कर दिया गया है और वो DWO ऑफिस यानी समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में भेजा गया। अब वहां से वो अगर क्लियर होगा तो आपका वेरीफाई बाय DWO लिख देगा, फिर आपका पैसा आ जाएगा। तो ये प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, क्योंकि ये जो है आप लोग का सेकेंड प्रोसेस हुआ है। एज्यूम किया जा रहा था कि ये प्रोसेस जो है 17 फरवरी तक कर दिया जाएगा, जो कि डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, जो पूरा लिस्ट पहले बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग ये 17 फरवरी तक ये हो जाना था, लेकिन अब ये स्टूडेंट्स का हो रहा है तो ये लेट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि ये जो है कब वेरीफाई होगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा ये कब होगा? तो देखो, आप लोगों को मैं क्लियर बता देती हूँ, इसके बारे में हमने बात की है। तो ना आप लोगों का जो है जो 11th 12th के स्टूडेंट है, 9th 10th के स्टूडेंट है, उन लोगों का जो है 28 फरवरी तक होगा। कितने तक होगा? 28 फरवरी तक उनका वेरीफाई होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ लोग जो है
उन ये बीएड वाले ग्रेजुएशन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो डेटा बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और जो आप लोगों का है उन आप लोगों का टाइमिंग जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 10 मार्च तक वेरीफाई कर देना है। वैसे बोला तो गया है कि होली के पहले हो जाना चाहिए, मतलब 8 मार्च को होली है तो उसके पहले हो जाना चाहिए, बट 10 मार्च तक आप लोग का ये जो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो आप लोग का 10 मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। और 15 मार्च को ज्यादा से ज्यादा पैसा आने के चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यही स्टेटस अपडेट हो रहा है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोगों का पेंडिंग वाला आ गया तो फिर समझो कि ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, फिर वो वेरीफाई हो ही जाएगा, आज कल जो भी 10 दिन लगे आप लोगों का होना है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जब तक ये हाई स्कूल नॉट मैच, रोल नंबर नॉट मैच है, तब तक का टेंशन है कि इधर से ही आपको वेरीफाई करके नहीं भेजा जा रहा है तो काफी डिले हो रहा है, बस यही चीज है, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग के कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।